कार्बी आमलोंग का समझौता हुआ, 1000 से ज्यादा सशस्त्र कैडर ने अपने हथियार डाले हुए 8 आदिवासी समूहों के साथ समझौता किया, इसमें 1182 कैडर ने हथियार डाले। असम और मेघालय की अंतर्राज्यीय सीमा के अंदर भी समझौता हुआ और 70% सीमा विवाद समाप्त हो चुका है। मित्रों, अब सपा के परिघे में भी बहुत बड़ी कमी आई है। एक जमाने में अब सपा हटाना चाहिए, यहाँ के लोग मांग करते थे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि अब सपा हटा लीजिए, हमने कहा था कि अब सपा नहीं हटाएंगे। सेना और सशस्त्र बलों के लिए जरूरी कानून है, परंतु हम ऐसी स्थिति रखेंगे कि अब सपा लगाना ही न पड़े। और आज मैं बड़े आनंद और गर्व के साथ कह रहा हूं कि 70% नॉर्थ ईस्ट के अंदर से अब सपा को हटा लिया गया है। आज अब सपा नहीं, पर वो दिन दूर नहीं है कि समग्र उत्तर पूर्व के अंदर से अब सपा को हटा लिया जाएगा। सेना के जवानों का सम्मान हो रहा है, सशस्त्र बलों के जवानों का सम्मान हो रहा है, और शस्त्र लेकर जो युवा घूमते थे आज वो मेन स्ट्रीम में आकर मोदी जी के नेतृत्व में भारत के विकास के काम में लग गए हैं। ये हमारी नीति है। सीमा के लिए भी लगभग 15,000 किलोमीटर से लंबी भूमि सीमा को हमने सुरक्षा की दृष्टि से कोई इसके अंदर कोई गोताही नहीं बरतते। हमारी नीति स्पष्ट है, हम सबसे शांति चाहते हैं, मगर हमारे देश की एक इंच भूमि पर भी कोई अतिक्रमण नहीं कर सकेगा। हमारी सेना और हमारी सीमा इसके सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं कर सकेगा। ये हमारी सरकार की नीति है, नरेंद्र मोदी सरकार की नीति, और इसके कारण हमने सीमाओं की सुरक्षा को ही राष्ट्र की सुरक्षा माना है। इसके आगे और कोई संदेश हो नहीं सकता। सीमा की सुरक्षा ही राष्ट्र की सुरक्षा होती है, इसलिए सीमा पर इंफ्रास्ट्रक्चर को नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रायोरिटी में रखा है। 2014 से 2023 तक 547 किलोमीटर की बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा कर लिया गया है। 1100 किलोमीटर से ज्यादा बॉर्डर रोड का निर्माण किया है। 1057 किलोमीटर पर फ्लड लाइट लगाने का काम हुआ है। 468 बॉर्डर ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स BOPs लगाने का काम भी पूरा हो गया है। और मैं इतना ही कह सकता हूं कि सीमा के इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में कांग्रेस ने 12 टर्म में 12 बार उनकी सरकार आई, इसमें जो काम नहीं किया वो मोदी जी ने सिर्फ 2 टर्म के अंदर कर दिखाया है। ये बताता है कि ये सरकार की सीमा के लिए क्या प्रायोरिटी है। इसके लिए हमने भूमि अधिग्रहण करने के लिए गृह मंत्रालय को शक्तियां दी है। सीमा क्षेत्र विकास का कार्यक्रम बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बनाया है। सीमा व्यापार के लिए इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाई है, और इसके साथ साथ ये वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाया है। मित्रों, अरुणाचल के विकास के लिए भी लगभग अंतरराष्ट्रीय सीमा के 5 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 180 गांवों को सभी मौसम में उपयोग में आने वाली सड़कों से जुड़ा है। 1859 किलोमीटर लंबे अरुणाचल फ्रंटियर हाईवे नाफरा से विजयनगर तक इसका काम शुरू हो गया है। और पिछले कुछ वर्षों में सीमावर्ती क्षेत्रों में 2500 किलोमीटर सड़कों का निर्माण कर 252 बस्तियों को जोड़ा गया है। सालाना लगभग 2000 लेन किलोमीटर का निर्माण करने का कार्यक्रम है। केंद्र सरकार द्वारा अरुणाचल सरकार को 44,000 करोड़ रुपया हमने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए दिया है। हवाई संपर्क के लिए भी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड मेचुका, तूतिंग, वालोंग, विजयनगर, मेचुका, तूतिंग और वालोंग में सिविल टर्मिनल बिल्डिंग का निर्माण भी अंतिम चरण में है। रेल संपर्क के लिए पासीघाट तेजू परशुराम कुंड
परशुराम कुंड भी हमारा प्रथम गांव वाला स्थान है, वहां पर भी फील्ड लेवल का सर्वे समाप्त हो चुका है, काम बहुत जल्द में होगा। डिजिटल संपर्क में भी 684 गांवों में 4G कनेक्टिविटी पहुंच चुकी है। विद्युत सीमा क्षेत्रों में प्रकाश की व्यवस्था, लगभग 1327 सीमावर्ती गांवों का विद्युतीकरण किया गया है और 728 गांवों में 6100 स्ट्रीट लाइट भी लगाने का काम हुआ है। मित्रों, मैं इसलिए बता रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी की और नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता हमारा सीमा का क्षेत्र है। आज मैं यहां आया हूं तब समग्र वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का भी रिव्यू यहां पर रखा गया है और अभी हेलीकॉप्टर चला गया, सभी लोग देख रहे थे, हेलीकॉप्टर चला गया, अमित शाह यहां बैठे हैं, कैसे जाएंगे, मैं कहीं नहीं जा रहा, आज आपके गांव में आपके साथ रुककर आपके साथ भोजन कर जाने वाला हूं, कल दोपहर को जाऊंगा। मित्रों, ये जो अप्रोच है मोदी जी ने, और मैं अकेला नहीं, समग्र मंत्रिमंडल को वाइब्रेंट विलेज के अंदर एक रात रुकने के लिए मोदी जी ने बात कही है और भारत सरकार के सभी मंत्री कोई ना कोई वाइब्रेंट विलेज में जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये अप्रोच जो है वो दूरिया रोड से कम नहीं होती है, दूरिया एयरपोर्ट से कम नहीं होती है, दूरिया रेलवे से कम नहीं होती है, दूरिया मन के लगाव और प्यार से कम होती है, और ये दूरिया कम करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज मैं आया हूं तब अरुणाचल के संपूर्ण विकास के लिए प्रेमा खांडू की सरकार को मन से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। इनके नेतृत्व में अरुणाचल दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति कर रहा है। नीचे प्रेमा खांडू, ऊपर नरेंद्र मोदी, ये जो डबल इंजन की सरकार है वो अरुणाचल को समग्र देश में छोटे राज्यों में सबसे विकसित राज्य बनाएगी, इसका मुझे पूरा भरोसा है। आज वाइब्रेंट विलेज के गांव वासियों को मैं हृदय से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मोदी जी ने जो योजना बनाई है, आप भरोसा रखना, वो योजना को हम जमीन पर उतारेंगे और एक गांव को वाइब्रेंट विलेज बनाकर देश का पहला गांव कहलाने में आपको गर्व हो, ऐसा गांव बनाकर ही दम लेंगे। आप इतनी देरी होने के बावजूद इतने दूर दूर से पहाड़ियों पर से यहां तक आए हैं, इसलिए ये आवभगत के लिए, इस स्वागत के लिए और आपके दर्शन करने का मुझे आपने मौका दिया, इसलिए मैं हृदय से भारत सरकार, भारत सरकार के प्रधानमंत्री और मेरी ओर से आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ एक बार जोर से ये पहाड़ियों में सब जगह गूंज जाए, ऐसी जोर से बोलिए, भारत माता की। अरे जोर से बोलिए, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए, दोनों हाथ उठाइए, मुट्ठी भींचे और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, जय हिंद।